हम में से कई लोगों के दिन की शुरुआत कॉफ़ी के बिना नहीं हो पाती है। हेल्थ के अलावा कॉफ़ी सौंदर्य के लिए भी फायदेमंद है। जी हाँ, इसमें कुछ ऐसे यौगिक मौजूद होते हैं जो स्किन और बालों को सुंदर बनाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद कैफीन बालों को सुंदर दिखाता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। इससे स्कैल्प में रक्त प्रवाह भी बेहतर हो पाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। ये बालों के झड़ने जैसी समस्या से भी छुटकारा दिलाता है और बालों को मजबूती प्रदान करता है। ये बेहतरीन हेयर मास्क और कंडीशनर है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी स्किन और स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है। ये कई सुंदरता से संबंधित समस्याओं का एक इलाज है। इसकी मदद से आप घर पर ही अपनी सुंदरता को निखार सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि बालों को कॉफ़ी से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप हर रोज़ कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है और वो मुलायम बनते हैं। इसके लिए आपको एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर पेस्ट तैयार करना होगा। अब इसे अपने बालों पर लगाएं और मसाज करें। 15 से 30 मिनट के बाद इसे पानी से धो लें। सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें। सप्ताह में एक बार इसे ज़रूर लगाएं। थोड़ी सी कॉफ़ी को ब्रू करें और ठंडा होने के लिए रख दें। इसे बालों पर शैम्पू के बाद लगाएं और कंडीशनर करें। इसके अलावा आपको बता दें कि हेयर फॉलिकल्स के कमज़ोर होने पर बाल झड़ने लगते हैं। ऐसा अनुवांशिक तनाव, एजिंग और हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है। कॉफ़ी में मौजूद कैफीन बालों को मजबूत करता है और उन्हें झड़ने से बचाता है। इसके लिए आपको ब्रूड कॉफ़ी से बालों को सप्ताह में 2 बार धोना होगा। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि बालों के कलर को बेहतर करने में कॉफ़ी का इस्तेमाल अच्छा होता है। इससे बालों का रंग गहरा और चमकदार होता है। इसके सेवन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पहले थोड़ी सी कॉफ़ी को ब्रू करें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 2 चम्मच रेगुलर हेयर कंडीशनर मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस मिश्रण को मास्क की तरह लगाएं और 1 घंटे बाद बालों को धो लें। अगर आप इसे गाढ़ा रंग देना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच कोकोआ पाउडर भी डालें। ये क्योर एंड हेल्थ डेस्क रिपोर्ट।